नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लूइड से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेके आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द फ्लूइड मैकेनिक्स। दिस इज द बॉयंसी टर्म कॉन्सेप्ट। बॉयंसी क्या होता है, सेंट्रल बॉयंसी क्या है और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये आपसे बहुत बड़ी ऐसी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप डॉक्टर आर की बंसल की बुक को परचेज कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल लूसिड लैंग्वेज में दी गई बुक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट, व्हाट इज बॉयंसी। ठीक है, तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि आप नदी में गए होंगे, कभी कोई नहर में गए होंगे, तो वहां पर आपने डेफिनेटली कोई नीचे से, यानी कि जो आपकी नहर है, नहर के बॉटम से कोई पत्थर उठाया होगा, वो काफी बड़ा है, मगर जब तक वो पानी के अंदर है और आपने पानी के अंदर ही उसे पकड़ के रखा है तो आप उसे काफी लाइट वेट फील करते हैं, मगर जैसे ही पानी के जस्ट ऊपर लेके आ जाते हैं तो वो काफी भारी निकलता है, क्योंकि एक फोर्स होती है जो फ्लूइड लगा रहा था जब तक वो पानी के अंदर था और आपने पानी के अंदर ही उठाया हुआ था, मगर जैसे ही आप पानी से बाहर निकाल देते हैं तो वहां पर वो फोर्स जो फ्लूइड द्वारा एग्जर्ट की जा रही थी वो खत्म हो जाती है और आपको काफी फील होता है भारी उठाने में उस पत्थर को। आई थिंक अब आपको समझ गया होगा। तो दैट फोर्स इज कॉल्ड पॉइंट फोर्स। तो ये है हमारा एक कंटेनर, लेट मी चेंज माय दिस वन। तो ये है हमारा कंटेनर, ओके, ये पानी से पूरा भरा हुआ है, ओके। तो अब पॉइंट फोर्स को कैसे समझेंगे, तो एक मेरे पास कोई तो चीज है, सपोज मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स उठा लेता हूं, ये जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगुलर बॉक्स हो, ठीक है, मैं खुद भी हो सकता हूं, मैं भी एक बॉडी हूं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को लेंगे और इस लिक्विड के अंदर डाल देंगे, एक कंटेनर है जो पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको मालूम है डालने के बाद क्या होगा, क्योंकि ये कंटेनर भरा हुआ था तो कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है वो बाहर निकल आएगा, ठीक है, ओके। तो अब पानी में जाने के बाद क्या होता है कि एक फोर्स जो दी जाएगी, जो एग्जर्ट की जाएगी फ्लूइड द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर हो गया, दिस इज योर पॉइंट फोर्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मगर अगर अच्छे से बात करेंगे तो ये एक फोर्स होती है जो आपका फ्लूइड द्वारा एग्जर्ट की जाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो मैं एक एक्सिस बना देता हूं इसकी, ठीक है। तो यहां पर मैं वो ले लेता हूं एक पॉइंट, दैट आई विल टेल यू बाय यूजिंग डिफरेंट कलर। तो यहां पर एक पॉइंट होता है, सपोज दैट पॉइंट आई विल कॉल इट एज बी। तो ये जो बी पॉइंट है, दिस आई कॉल इट एज सेंटर ऑफ बॉयंसी, ठीक है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फोर्स एग्जर्ट करती है, मतलब एक्ट करती है, और ये किसके द्वारा एग्जर्ट की जा रही है, आपके फ्लूइड द्वारा, जब बॉडी पानी के अंदर आ जाती है। अभी मान लेते हैं जो फ्लूइड है वो पानी है, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये एक्ट करती है, दैट आई कॉल इट एज BUO, buoyancy, सेंटर ऑफ बॉयंसी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जिस फोर्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कौन सी फोर्स की बात कर रहा हूं, इसी पॉइंट पे वो एक्ट करेगी, दैट आई कॉल, इसका नाम दे देता हूं FB। तो दिस इज योर पॉइंट फोर्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, BUO, buoyancy, पॉइंट फोर्स। क्लियर हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट मी चेंज, दिस इज नॉट वर्किंग, ठीक है, दिस इज योर सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो जो पॉइंट बी है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बॉयंसी, और जो फोर्स एक्ट कर रही दैट इज पॉइंट फोर्स, पर सिंपली बॉयंसी। तो यही है हमारा कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया, ओके। दूसरी चीज अब हम बात करेंगे, भाई ये पॉइंट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, ओके। तो पॉइंट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, जब आप ये कोई भी चीज, जरूरी नहीं ये पत्थर भी हो सकता है जिसको आप डुबा रहे हैं, सपोज अब इस केस में हमारा ये बॉक्स था जिसको आप डुबा रहे हैं, तो आपको मालूम है डुबाने के बाद कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा। कौन डिस्प्लेस करेगा, ये बॉडी, जैसे ही इस पानी के अंदर जाएगी और ये कंटेनर जो भरा हुआ है आपका पानी से या लिक्विड से बोल सकते हैं, ठीक है, तो कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। अब अमाउंट डेफिनेटली मास होगा, यानी कि केजी। तो इस केजी को मैं जी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सपोज मैं एक बार वापस रिपीट करूंगा कि पॉइंट फोर्स की वैल्यू अगर हमें ढूंढनी है तो कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। अब जो बॉडी को आप अंदर डुबाना चाहते हैं उसे डुबा दीजिए, उसके बाद ये बॉडी क्या करेगी, कुछ अमाउंट जो है लिक्विड वो डिस्प्लेस कर देगी, ठीक है। तो इस बॉडी द्वारा कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया जाता है। अगर डिस्प्लेस होगा तो डेफिनेटली ये पानी बाहर आएगा, क्लियर हो गया, इस कंटेनर से। तो जितने अमाउंट का लिक्विड डिस्प्लेस किया गया है इस बॉडी द्वारा, या फिर मैं ये बोलूंगा कि जितने वेट का लिक्विड डिस्प्लेस किया गया है इस बॉडी द्वारा, क्लियर हो गया, वो जो वेट है वो वेट किसमें होगा, न्यूटन में होगा। एक्चुअली में तो ये क्या बाहर गिराएगा, कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड, वो होगा आपका मास, ठीक है। जितना मास इस बॉडी द्वारा बाहर फेंका गया है पानी का या फिर कोई भी लिक्विड का, वो होगा मास। अब ये मास को मैं मेजर कर लूंगा और फाइनली मल्टीप्लाई बाय जी कर दूंगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81, ठीक है। तो हमको मिलेगा वेट
तो एक बार वापिस बोलूंगा कि इस बॉडी द्वारा डिस्प्लेस कर दिया गया है फ्लूइड, ठीक है, तो जो भी जितना भी वेट आएगा उस फ्लूइड का जो डिस्प्लेस हो गया है, तो वही आपकी एफ वी की वैल्यू होती है, यानी कि पॉइंट फोर्स की। आई होप समझ गया होगा आपको। और वही चीज होती है, तो यहां पे लिख देता हूं दैट पॉइंट फोर्स इज इक्वल टू दिस वन वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जो पॉइंट फोर्स की वैल्यू है इज नथिंग बट द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय अ बॉडी, डिस्प्लेस्ड बाय अ बॉडी। क्लियर हो गया? ओके, तो यही जितना अमाउंट ऑफ वेट या फिर जितना अमाउंट ऑफ मास डिस्प्लेस किया गया है, ठीक है, आपके बॉडी द्वारा, वो होगा मास। मास को हम जी से मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनली हो जाएगा वो वेट। तो पॉइंट फोर्स क्या होगी? पॉइंट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी कि जितना अमाउंट नहीं बोलूंगा मैं, स्पेशली बोलूंगा वेट, कि जितना वेट लिक्विड का डिस्प्लेस कर दिया गया बॉडी द्वारा, उतनी ही वैल्यू आपकी पॉइंट फोर्स की होगी। और यही होगा उस बॉडी का वेट भी, is equal to the weight of the body. I hope आपको समझ में आ गया होगा ये. Okay, so that was your this one buoyancy concept, या फिर बोल सकते हैं point force क्या होती है, center of buoyancy क्या होती है, और हमारा ये क्या हो गया, point force कैसे निकालनी है. अब आते हैं हमारे Archimedes principle पे, ठीक है. Okay, और इसी को भी बोल सकते हैं हमारा Archimedes principle. अभी देखिए कैसे बोलेंगे, ठीक है. Okay, अब मैं डुबाते वक्त एक चीज मैं इसमें जरूर बताना चाहूंगा. देखिए, अब आपका ये जो फ्लूइड था ये तो अंदर डूब गया है, मीन्स आई मीन से कि बॉडी डूब गई है. ओके, तो यहां पर एक क्या रहेगा, दिस इज योर एक्सिस. ओके, याद रखिएगा कि एक पॉइंट होता है दैट इज बी, जहां पर आपकी ये पॉइंट फोर्स एक्ट करती है. ओके, ओके, एक और पॉइंट होता है जी. जी इज नथिंग बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पे इस जो बॉडी का खुद का वेट है वो एक्ट करता है, दैट आई विल टेल यू विद डिफरेंट कलर. ओके, तो ये नीचे की तरफ एक्ट करता है, और ये दोनों आपस में एक ही लाइन में रहते हैं, दे आर इक्वल एंड अपोजिट. ठीक है, तो ये जिस पॉइंट पे एक्ट करता है दैट आई विल कॉल इट एज जी. जी इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होता है. ओके, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होता है जहां पे ऐसा सपोज किया जाता है, माना जाता है कि पूरी बॉडी का जो वेट है वो यही एक्ट करता है. तो मान लेते हैं इस पर्टिकुलर जी पॉइंट पे कितना वेट एक्ट कर रहा है, डब्ल्यू. आई होप आपको समझ में आ गया. और डब्ल्यू क्या है, दिस इज नथिंग बट द वेट ऑफ द बॉडी. और ये दोनों डब्ल्यू इक्विलिब्रियम में, डब्ल्यू जो है वो आपके पॉइंट फोर्स के बराबर रहते हैं. क्लियर हो गया? ओके, तो अब आएंगे हमारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर. आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, देखिए Archimedes principle क्या बोलता है कि सपोज अगर आपका एक कंटेनर है. क्लियर हो गया? ओके, अब मैं उठाता हूं एक स्टोन. देखिए सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे, ये क्या है आपका, दिस इज क्यूबॉइड. क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना बड़ा आसान है, ठीक है. ओके, अब सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है, दिस इज पाई आर स्क्वायर एच. ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ओके, तो अब इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर इज नथिंग बट योर रेडियस. आप कुछ और ले लीजिए जिसका वॉल्यूम आपको मालूम है, क्यूब. क्यूब की सारी साइड्स सेम ही रहती हैं, तो यहां पर भी निकालना बहुत आसान होता है, दिस इज ए क्यूब. तो कुछ ऐसे हमारे पास ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं जिसको मैथमेटिक्स डिफाइन करती है उसका वॉल्यूम. मगर कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर बॉडी का वॉल्यूम निकालना हो, हमारी बॉडी का, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है. या फिर सपोज मैं एक पत्थर इररेगुलर शेप का लेके आता हूं, ठीक है, अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर एक लिक्विड आपका कंटेनर से पूरा भरा हुआ है, ठीक है, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कि अगर एक कंटेनर जो पूरा आपका लिक्विड से भरा हुआ है, ठीक है. ओके, अब देखिए यहां पर, तो मैं क्या करूंगा, अब इस जिसका वॉल्यूम, सपोज कोई इररेगुलर शेप का कोई चीज है आपके पास, कोई थिंग है, उसका वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या कीजिए, सिंपली इसको यहां पर अंदर डाल दीजिए, ठीक है. तो ये चला गया है आपका अंदर. अब इस स्टोन का, मान लेते हैं जो पत्थर आपने स्टोन लिया है, इसका जो भी वॉल्यूम होगा, ठीक है, इसका जो भी वॉल्यूम होगा एक्चुअली, ठीक है, ये तो अंदर चला गया, तो इसका खुद का जितना भी वॉल्यूम होगा, इस क्या बोलते हैं पत्थर का या स्टोन का, जो भी आपने चीज ली है, उतने ही बराबर का वॉल्यूम यहां से बाहर निकल जाएगा. क्लियर हो गया? ये उतने यहां से बाहर निकल जाएगा. ओके, ओके, तो कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड आपको बाहर मिल जाएगा, और इसका वॉल्यूम जो बाहर आया हुआ लिक्विड है, ठीक है, जो बाहर आया हुआ लिक्विड है, और इस स्टोन का वॉल्यूम जो होगा वो बराबर होगा. अब क्या करना है, अब जस्ट जो बाहर आया हुआ लिक्विड है और जितना लिक्विड आया होगा उसका जो भी वॉल्यूम होगा, वही वॉल्यूम आपका किसका होगा, दिस इज योर स्टोन का, जो इररेगुलर शेप का है. क्लियर हो गया ये? ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, अब इस लिक्विड को कलेक्ट कीजिए, और जिस
कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर आप लेंगे उसको ले लीजिए और उसमें वो लिक्विड डाल दीजिए। मान लीजिए कि मैं इस सिलेंडर में ये डाल देता हूं लिक्विड, तो अब ये जो लिक्विड है उसने किसकी शेप ले ली है, सपोज यहां से यहां तक ले ली है, पूरी ले ली है, पूरी शेप ले ली है। तो अब जो आपका लिक्विड बाहर आया था उसने, हमने उसको डाल दिया सिलेंडर में। अब सिलेंडर में डालने के बाद क्या होगा, उसने सिलेंड्रिकल शेप ले लिए और आपको सिलेंडर का फॉर्मूला मालूम है वॉल्यूम निकालने का, तो वो हो जाएगा आपका, तो जो भी आएगा सपोज वो x आ गया तो वही वो x होगा वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, आपके दिस वन, किसका, स्टोन का। तो यही जो कॉन्सेप्ट होता है, यही होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादातर ये मैथमेटिक्स में फाइंड आउट मीन्स दिया जाता है, इस पे काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, साइंस का ये कॉन्सेप्ट है, दैट वाज योर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो सेम ये वेट के लिए भी बताया जा सकता है कि सपोज ये तो था इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, अगर मेरे को इसी के हिसाब से वेट के हिसाब से बोलना है कि कोई ऐसी बॉडी, क्लियर हो गया। अब मैं ये इसलिए बता रहा था, देखिए मैथमेटिक्स इन स्ट्रक्चर्स को डिफाइन नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स ने क्या बताया हुआ है कि आपके पास कुछ फिगर्स हैं जिसका वॉल्यूम इजिली प्रेडिक्ट किया जा सकता है। अगर वो आपका सिलेंड्रिकल शेप में है तो पाई आर स्क्वायर एच लगा लो, ठीक है, आपका क्यूबॉइड है तो एल इंटू बी इंटू एच लगा लो, क्यूब है तो ये लगा लो, मगर कोई ऐसी चीज जिसका वॉल्यूम आपको नहीं मालूम है तो इसी तरीके से वॉल्यूम फाइंड आउट किया जा सकता है, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यही चीज आप वेट के हिसाब से भी बोल सकते हो, सपोज अगर इस पत्थर का वेट यानी स्टोन का वेट आपको पता करना है, ठीक है, तो आप इसे डुबा दीजिए अंदर, तो इससे पहले मैंने आपको रिपीट किया था वो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही है, तो इसका खुद का जितना वेट होगा, ठीक, ओके, सबसे पहले क्या था, कंटेनर भरा हुआ था फ्लूइड से और पत्थर आपका बाहर था, तो उसका वेट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, इस पत्थर का यानी कि स्टोन का जितना भी वेट होगा, ठीक है, आप इसको अंदर ड्रॉप कर दीजिए इस कंटेनर में, तो कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड आपका डिस्प्लेस होगा और ये बाहर आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ अमाउंट ऑफ, अभी अमाउंट क्या है, मास, मास को आप जी से मल्टीप्लाई कीजिए आपको वेट मिल जाएगा, तो कहने का मतलब है कुछ वेट आपका लिक्विड का डिस्प्लेस कर दिया जाएगा इस कंटेनर से, जितना डिस्प्लेस कर दिया जाएगा उसे कलेक्ट कर लीजिए और फाइनली क्या कीजिए, आप वेइंग बैलेंस का यूज करके जो वेट यानी कि न्यूटन में देता होगा आंसर, ठीक है, वेइंग बैलेंस का यूज करके, स्प्रिंग बैलेंस एक्चुअली जो होता है वो आपका जो वेट है वो न्यूटन में देता है, उसमें आप इस फ्लूइड को, फ्लूइड का वेट मेजर कर लीजिए, मेरा कहने का मतलब, तो उतना ही वेट आपका किसका होगा, स्टोन का होगा, तो यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।